हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डा ढिमोले आज आपका मेरे चैनल पर फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और जैसा कि मेरा कंटेंट बनाने का यूट्यूब पर वीडियो की मैं हमेशा जाकर बाहर की लोकेशन शूट कर आपको दिखाता हूं, चाहे वो फिल्म शूटिंग लोकेशन हो चाहे दूसरी तरह की कोई बात हो, मेरा काम बाहर का ही रहता है। लेकिन चूँकि अभी इस तरह की व्यवस्था हो गई है सारे देश में कि हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो कुछ इस तरह के बना नहीं पा रहा हूँ मैं चैनल के लिए। लेकिन घर बैठे बैठे मुझे कुछ आइडिया ये इस तरह का सूझा कि मैं घर बैठे बैठे ही आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊं, जानकारी दूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो का सब्जेक्ट है जो अमूमन सभी लोगों का इंटरेस्ट का विषय होता है, वो है मुंबई अंडरवर्ल्ड। ये मैंने एक विषय सेलेक्ट किया है। इस विषय पर मैंने अभी खाली दिनों में एक माह से बैठा हूँ, काफ़ी सारी रिसर्च की तो मैंने काफ़ी नेट पर देखा, कई जो अपराधी पत्रकारिता करते हैं, अपराध जगत की क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लेखों को पढ़ा, नेट पर सामग्री देखी और सामग्री देखने के बाद इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो मुझे ये विषय थोड़ा सा रोचक लगा कि इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करें, बात करें और कुछ जानकारी आपको दूँ। हालाँकि सब्जेक्ट बहुत से थे, लेकिन जिसमें रोचकता हो, जिसमें थोड़ी सी सनसनाहट हो, सनसनी हो, वो थोड़ा सा विषय मैंने ये एक चयन किया है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो, ये विषय मेरे पसंद आएंगे और मैं इस पर एक वीडियो नहीं, मैं इस पर एक एपिसोड की श्रृंखला बनाऊंगा। क्योंकि समूचे मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास को एक 10-20 मिनट के वीडियो में समेटना और सहेजना संभव नहीं है, तो मैं इसको लंबा बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो ये मेरे पसंद आएंगी, मेरी ये सीरीज़, और पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे अवगत कराएं मेरी वीडियो के बारे में कैसा दोस्तों लगा। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मुंबई के ऐसे डॉन की जो आज के लोग नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन मुंबई का अपराध जगत का इतिहास बहुत पुराना है और मुझे भी उसके बारे में ढूंढने में, उसकी जानकारी निकालने में बहुत कुछ खोजना पड़ा एक महीने में। मुंबई में हाजी मस्तान से लेकर अभी करंट तक बहुत सारे डॉन और अपराध जगत के बादशाह हुए हैं, लेकिन इन सब के अब तो तौर तरीके इनके बदल गए हैं। लेकिन एक डॉन ऐसा था मुंबई में जो तमिल डॉन था, तमिलनाडु से आया हुआ था। आज हम उसकी कहानी की बात करेंगे। हालांकि हाजी मस्तान भी तमिलनाडु से आए हुए थे, लेकिन एक बिल्कुल ऐसे डॉन की बात मैं करूँगा आज आपके सामने जो बहुत, जिसने अपने कुली के रूप में काम चालू किया। अच्छा, दोनों की कहानी मिलती जुलती है, हाजी मस्तान की भी और जिसकी मैं बता रहा हूँ उसकी भी, लेकिन समानता होने के साथ साथ इनके चरित्रों में बड़ा विरोधाभास भी है। हाजी मस्तान ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई आज तक, वो कभी बिना गोली चलाने वाले डॉन के रूप में जाना जाता हाजी मस्तान। और मैं जिसकी आज बात कर रहा हूँ उस डॉन का नाम है वरदा भाई। वरदा भाई माने इनका पुराना नाम था वरदराजन मुदलियार। तो अब हम शुरू करते हैं वरदा भाई की कहानी। मैं आपको बताता हूँ कि वरदराजन मुदलियार कौन था और कैसा था। तो गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में तीसरे पहर जब धूप बहुत ज़्यादा अपने शबाब पर थी, उस समय मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर एक तमिलनाडु से आया हुआ नौजवान एक बहुत मेहनत, हाड़तोड़ मेहनत करने में जुटा हुआ था। और लोगों के सामान ढोना, ट्रेन से सामान उतारना, ट्रेन से सामान चढ़ाना, ये उसकी एक दिनचर्या का एक हिस्सा था। और यह बात करीब करीब उन्हीं दिनों की है जब हाजी मस्तान मुंबई के डॉकयार्ड पर पोर्ट ट्रस्ट में कुली के काम करके अपनी रोजी रोटी जमाने के जुगत में था। और संयोग देखिए कि एक कुली मुंबई स्टेशन पर लोगों का सामान उठा रहा था और दूसरा कुली बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पे अपना सामान उठा के वो भी अपनी आजीविका जलाने का प्रयत्न कर रहा था। दोनों कुली थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि भविष्य में ये दोनों एक होने वाले हैं और अपराध, दौलत और इस गठजोड़ के दोनों अहम हिस्से होने वाले हैं और दोनों बम्बई पर एक छत्र राज करने वाले हैं। दोनों इस बात से अनजान थे और दोनों अपना अपना काम बहुत ईमानदारी से कुलीगिरी कर रहे थे। जो वीटी स्टेशन पर कुलीगिरी कर रहा था उसका नाम था वरदराजन मुनिराज स्वामी। ये तमिलनाडु के वेल्लोर से आया हुआ एक नौजवान था जो सन 1926 में तमिलनाडु में पैदा हुआ था और 7 वर्ष की उम्र से ही इसने अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करना चालू कर दिया था। एक घरेलू नौकर के रूप में इसने काम करना चालू कर दिया था और एक फ़ोटोग्राफर की दुकान पर यह झाड़ू पोंछे का काम करता था। और अपने परिवार में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होने के बाद भी, अनपढ़ जैसा ही कह सकते हैं इसको, ज़्यादा इसने शिक्षा दीक्षा हासिल नहीं की थी, उसके बाद भी ये तमिल और अंग्रेजी फर्राटेदार तरीके से बोल सकता था। दोस्तों, यह वरदा का जुनून ही था जो उसे सपनों की नगरी मुंबई तक खींच कर ले आया था। वो एक हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था और कुछ बनना चाहता था अपने जीवन में। इसी सोच के चलते वो मुंबई आया और मुंबई में जब उसे कोई ठीक ठाक काम नहीं मिला तो वह कुली के कामों में मुब्तला हो गया और कुलीगिरी करने लगा।
वहीं पास में वो मुंबई विक्टोरिया स्टेशन के बाजू वाली गली में जाकर रहने लगा। अच्छा, और दोस्तों ऐसा अध्ययन से पता लगा है, ऐसा रिसर्च से पुरानी बातों को देखने के बाद, कि वो बहुत बड़े दिल का इंसान था, क्योंकि वो जितना पैसा कमाता था अपना दिन भर में कूलीगिरी में, अपना पेट भरने के बाद जो पैसा बचता था वो वहाँ मुंबई वीटी स्टेशन के आगे बिस्मिल्लाह साहब बाबा की दरगाह है वहाँ जाकर वो पूरा पैसा दान कर देता था, या वहाँ जो गरीब ज़रूरतमंद लोग जो वहाँ बैठे रहते थे उनको भोजन कराने में लगा देता था। दोस्तों वेल्लूर का एक मासूम बच्चा जिसके पास अपनी भीतरी शक्ति के सिवा करने को कुछ नहीं था, और उसके संगी साथी जब वो मुंबई में रहा तो उसकी दोस्ती स्टेशन के अन्य कुलियों से हुई, और वहाँ पर अवैध शराब का धंधे करने वाले लोगों से उसकी दोस्ती हुई, कुछ गंदे काम करने वाले लोगों उसके दोस्त बने। दोस्त बनने के साथ साथ उसे ये लगा कि इतनी हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद मैं जो चाहता हूँ, मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इन रास्तों की तरफ मुड़ता चला गया। और दोस्तों ये समय हुआ था जब 1952 में तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने पूरे महाराष्ट्र में शराबबंदी लागू कर दी थी। पूरे महाराष्ट्र में शराब का मिलना बिल्कुल कठिन कार्य हो गया था। ऐसे समय में छोटे मोटे जो शराब बेचने वाले थे वो सक्रिय हो गए और इससे थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे। और जब वरदान ने देखा कि इस धंधे में तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत से ज़्यादा पैसा है, तो वो भी पैसे की खातिर इस अवैध शराब के धंधे में आ गया और धीरे धीरे इस अवैध के शराब के धंधे का बेताज बादशाह बन गया। दोस्तों वरदा की एक सबसे खूबी वाली बात यह थी कि वो बहुत बातूनी शख्स था, किसी को भी वो अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता था, और यही खूबी उसके काम के लिए एक बहुत अच्छा हथियार साबित हुई, क्योंकि एक तो वो तमिल बोल लेता था, तमिल के साथ साथ अंग्रेजी फर्राटेदार बोल देता था, दूसरी बात वो किसी को भी पटाने में उसके ऊपर एक गॉड गिफ्ट था, एक कला थी कि वो अपनी बातों से किसी को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता था। अपनी इसी खूबी के चलते वो मुंबई के जो उस समय के बड़े उसके ऊपर वाले डॉन थे उनका बहुत चहेता बन गया था, और इसी खूबी के चलते उसने अपने धंधे को बहुत विस्तार दिया। उसने मात्र कुछ ही दिनों में मुंबई के एंटाफ हिल पर अपना एक बहुत बड़ा अड्डा खड़ा कर लिया, जो उसे एक भविष्य में एक वरदा भाई के रूप में पहचान दिलाने वाला था। 30 की और 31 की उम्र का यह लड़का धीरे धीरे एक रहस्यमय शख्सियत में बदल गया और धीरे धीरे लोगों में वरदा भाई के रूप में जाना जाने लगा। धारावी, सायन, कोलीवाड़ा, एंटाफ हिल, ये ऐसे इलाके थे उस ज़माने में मुंबई के जहाँ पर झुग्गी बस्तियों के सिवा कुछ नहीं पाया जाता था, और यह इलाका वरदा को अपने धंधे के लिए बहुत फिट लगा और उसने अपने सारे धंधे का फैलाव इसी जगह पर किया। दरअसल उन बस्तियों में घुसना पुलिस के लिए बहुत सिरदर्द माना जाता था, और वरदा के प्रभाव के चलते उन बस्तियों में तमिलनाडु से आए हुए तमिल लोगों का एक रहवास हो गया था, जो वरदा उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। तमिलनाडु से आकर विस्थापित होकर आए लोगों के लिए धारावी, सायन, कोलीवाड़ा, एंटाफ, ये पूरा इलाका जो है तमिल लोगों के लिए बसाहट का बहुत अच्छा केंद्र बन गया, और पुलिस वहाँ घुस नहीं पाती थी, और घुस जाती थी तो निकल नहीं पाती थी। वरदा का वहाँ ऐसा आतंक हो गया था और काम में, और तमिल लोग उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों वो एक ऐसा ज़माना था जब FIR में नाम दर्ज हो जाना भी बड़ी एक शान की बात होती थी, बड़ा जैसे इसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, और उस ज़माने में वरदा ऊपर कई FIR दर्ज हुई जो उसके नाम को उड़ाने के लिए काफ़ी थी। और हम देखते हैं अपने हमारे आसपास के समय में जो व्यक्ति इस तरह से प्रसिद्धि हासिल करता है उसका एक रुतबा एक अलग ही कायम हो जाता है। और उस ज़माने में शराब बंद थी, चूँकि मोरारजी देसाई ने शराब बंद कर दी थी, तो घर घर पहुँच शराब की सेवा वरदा ने चालू की, और इसके सबसे ज़्यादा इसका जो परिवहन का साधन था वो साइकिल और गाड़ियों के ट्यूब हुआ करते थे और खाली बॉटलें हुआ करती थी, जो इसके आदमी बहुत आसानी से परिवहन करते थे उस शराब का। दोस्तों वरदा के इलाके में ज़्यादातर तमिल रहते थे, और हर इलाके में कम से कम 100 से 120 भट्टी थी। इतनी बड़ी भट्टियाँ होना और हर भट्टियों पर हज़ारों लीटर शराब का निर्माण प्रतिदिन होता था, और इस शराब की खपत वरदा अपने आदमियों के माध्यम से पूरे मुंबई में कराता था। दोस्तों स्थानीय लोग जो इस धंधे के काम, इस शराब के अवैध धंधे में लगे थे, वो अपने एक छोटे से दायरे को लेकर ही खुश थे। उनकी रोजी रोटी जो है अपने छोटे से दायरे में चलती थी और अपनी कमाई से वो खुश थे, लेकिन वरदा की बहुत दूरदृष्टि थी इस मामले में, कहना चाहिए बड़ा शातिर और शार्प माइंड था वो, कि उसने अपने धंधे की पूरी जो मुनाफा था उस मुनाफे को अपने वापस धंधे में ही लगाया, उसने मुनाफा नहीं कमाया, और धंधे का पैसा धंधे में वो लगाता चला गया और धंधा बढ़ता चला गया, और प्रशासन को, पॉलिटिशियंस को, वो सब जगह बराबर पैसा बांटने लगा,
और उसके सहयोगी बने तमिलनाडु से आए हुए उसकी अपनी बिरादरी के लोग। जैसा तमिलनाडु से उस समय लोग रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ रहे थे और वर्धा उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था, क्योंकि वर्धा जब तक मुंबई में स्थापित हो चुका था। तो धारावी, साइन, कोलीवाड़ा, एंटाफिल, माहिम, माटुंगा, ये घाट को, ये पूरा इलाका इसने अपने आदमियों से पाट दिया। और तमिल भाषियों के लिए किसी मसीहा की इमेज से कोई कम इसकी इमेज नहीं थी। और इसने धीरे धीरे पूरे मुंबई के शराब व्यवसाय पर अपना एक क्षेत्र कब्जा कर लिया। इसने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ पुलिस वालों को भी अपने साथ मिलाया। कुछ जो पुलिस वाले रिटायर्ड हो गए थे, रिटायर्ड पुलिस वालों को अपने साथ मिलाया। रिटायर्ड पुलिस वालों के साथ साथ ऐसे संपर्क जो राजनीति से जुड़े हुए संपर्क थे, उन संपर्कों को भी इसने अपने साथ रखा। और इस तरह से इसने अपना एक पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया, जो बड़ा अवैध था पुलिस के लिए उसको भेद पाना। दोस्तों, वर्धा की ताकत जब बढ़ी, जब वर्धा लोगों के लिए, बाहर से आए लोगों के लिए मुंबई में रहने का स्थायी प्रबंध कराने लगा, ज़मीनें हड़पने लगा, ज़मीन हड़पने के साथ साथ लोगों को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, उस समय जो भी कागजात मुहैया कराने होते थे मुंबई की स्थानीयता को प्रमाणित करने के लिए, उस सारे कागजात इसकी एक आवाज़ पर कहीं के भी विभाग से बन जाते थे। और ये बाहर से आकर लोगों को बसाने लगा। इसने छोटे छोटा तमिलनाडु पूरे मुंबई के क्षेत्र में इसने बना दिया था, मतलब सबको तमिल लोगों को इसने अपने प्रभाव से वहाँ पर भर दिया था और अपने काम में लगा लिया था। आज के समय में हम जो धारा भी देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, इसको बसाने में वर्धा का ही बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि 99% जो धारा भी बसी वो वर्धा राजन के द्वारा ही बसाई गई धारा भी है। धीरे धीरे इसका रुतबा बढ़ा और रुतबा बढ़ने के साथ साथ इसने फिर हत्या जैसे कामों के ठेके भी लेने लगा और सारे अवैध काम में मुब्तला हो गया, बिल्कुल जड़ तक चला गया। उसके बाद हालांकि इस पर वेश्यावृत्ति कराने का भी आरोप लगा है, लेकिन खुलकर वो कभी इस बात को उसने कबूला नहीं और कभी किसी ने उसके खिलाफ़ बोला नहीं। लेकिन कहा जाता है कि बम्बई के कमाठीपुरा और बम्बई के ग्रांड रोड पर जितने भी वेश्यावृत्ति के अड्डे चलते थे, उनको वर्धा का हाथ था उनके ऊपर। बाकी खुले रूप में वो कभी सीधे रूप में इन धंधों में शामिल नहीं रहा, इस धंधे में, लेकिन कहा जाता है कि उसके बिना वर्धा हस्त के ये काम हो भी नहीं पाता था। ऐसे समय में जब वर्धा ने एक बार, अभी तक वो सिर्फ शराब के धंधे में ही था, इसके अलावा वो उठा नहीं था, शराब के धंधे और छोटे मोटे जमीन हड़पने के साथ साथ लोगों को कब्जा दिलाना, ये सब कामों में लगा हुआ था। लेकिन अभी एक बड़ा खेल उसकी ज़िंदगी का बाकी था, अभी उसको हाजी मस्तान से मिलना बाकी था, क्योंकि हाजी मस्तान उस समय सोने चांदी की तस्करी में लगा हुआ, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन, इंडिया का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान से भी इसकी मुलाकात एक संयोग बस हुई थी। वर्धा ने धीरे धीरे क्या किया था कि ये कस्टम से जो विदेशों से माल आता है, ये माल उठा के चुराने लगा था और माल खेप नंबर दो में बिकने लगी थी। तो इसने एक बार एक कस्टम विभाग के एक ऐसा कंसाइनमेंट चुरा लिया था कि कस्टम विभाग पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि इस माल को बरामद करना ही किसी तरीके से, और उन्होंने वर्धा को धर लिया। तो वर्धा को जब पुलिस स्टेशन ले गए और वर्धा से पूछा गया कि तुम इसको सीधे सीधे बता दो, नहीं तो हमें इसके लिए तुम्हारे ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वर्धा अभी कुछ उधेड़ बुन में था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, माल दूं या नहीं दूं। उसी समय कहते हैं पुलिस स्टेशन में हाजी मस्तान आए, और हाजी मस्तान भी चूंकि तमिल था, तमिल उसको भी आती थी, उसने तमिल भाषा में ही वर्धा से कहा कि तुम इनको इनका माल दे दो और तुमको मैं यहाँ छुड़ाता हूँ और तुमको मेरे साथ धंधे में लगाता हूँ, जो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। वर्धा उस समय शराब की तस्करी से आगे नहीं बढ़ पाया था, दूसरे काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब हाजी मस्तान ने उसको एक ऐसा ऑफ़र दिया तो वर्धा जो है अपने आप को रोक नहीं सका। वर्धा ने हाजी की बात मान ली और पुलिस को उसका कंसाइनमेंट लौटा दिया कस्टम वालों को, और पुलिस ने भी अपने वायदे के मुताबिक जो उन्होंने हाजी मस्तान से किया था वर्धा को छोड़ दिया, और वर्धा को छोड़ दिया और वर्धा निकल कर आया और फिर हाजी के साथ मिलकर सोने चांदी की तस्करी में लग गया। वर्धा का प्रभाव दोस्तों मुंबई अपराध जगत पर काफ़ी समय तक रहा, बल्कि 20 से 25 साल तक वो मुंबई का एक छत्र डान रहा। हाजी मस्तान और करीम लाला के बाद जिसका नाम लिया जाता है वो वर्धा राजन मुदलियार है, वर्धा भाई। और आखिरी के दिनों में फिर माटुंगा में उसका बहुत बड़ा गणेश पंडाल होता था, गणेश पंडाल में बड़े बड़े फिल्मी सितारे उसके गणेश पंडाल में आते थे दर्शन करने के लिए, और काफ़ी धूम थी वर्धा की। तो उसी समय एक IPS अधिकारी थे श्री पवार ने वर्धा के इस साम्राज्य को तहस नहस करने का कुछ संकल्प सा ले लिया था, और उन्होंने जब इसके पीछे पड़े, और वर्धा की उम्र भी थोड़ी हो गई थी उस समय, तो वर्धा फिर अपने घर वापस चेन्नई चला गया, और चेन्नई में फिर उसने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, और चेन्नई में उसकी हार्ट अटैक से फिर आखिरी में मृत्यु हो गई।
लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो हाजी मस्तान जो चूँकि उसके दोस्त थे, उसके धंधे के पार्टनर थे, उन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन से उसका पार्थिव शरीर मुंबई लेके आए, और मुंबई जब लेके आए तो उसके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों का तांता लगा, और पूरा धारावी, साइन, कोलीवाड़ा, एंटाफिल, घाटकोपर, माटुंगा, माहिम, पूरा एरिया जो है बंद हो गया, और उसके शोक में मुंबई डूब गई। तमिल लोगों का जैसा मसीहा ख़त्म हो गया। तो इस तरह की एक इमेज उसकी वर्धा की रही, और वर्धा के ऊपर दो या तीन मूवी बनी है। एक तो दक्षिण भारत में बनी है नायकन, जिसमें कमल हसन ने वर्धा का रोल किया है। दूसरी हमारे फिरोज खान ने बनाई थी एक हिंदी मूवी दयावान, जिसमें विनोद खन्ना ने वर्धा का रोल किया है। और अभी रजनीकांत की एक लेटेस्ट मूवी आई है काला, काला डॉन बम्बई ऐसा कुछ नाम है, काला बम्बई जो के ऊपर जो मूवी बनी है, वो भी वर्धा के रोल से प्रेरित मूवी बनी है। तो वर्धा एक गरीब घर से आया हुआ एक बहुत छोटा मोटा आदमी था, लेकिन अपने जुनून जज्बात में उसने अपनी ताकत और दिमाग का उपयोग हालांकि दूसरी जगह किया, सही जगह पर करता तो हो सकता वो सही रास्ते पर जाता, लेकिन जहां भी गया वो अपने चरम पर गया, अपने उत्कर्ष को उसने प्राप्त किया। और आज भी पूरी मुंबई में वर्धा भाई का नाम, इतने दिन जाने के बाद भी आज उसका नाम जिंदा है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं, अच्छी लगी हो तो बताएं, मैं आपको और इस तरह की जानकारी आगे देने का काम करूंगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।